मुरादाबाद के थाना कोतवाली व मुगलपुरा प्रभारी द्वारा थाना सिविल लाइन्स में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें तीन लोगों ने खतरनाक अपराधी को जेल से जमानत पर रिहा करा दिया है। बताया जाता है कि थाना कटघर के क्षेत्र करूला रहमत नगर निवासी बदमाश नदीम को थाना मुगलपुरा व कोतवाली पुलिस ने 17 में गैंगस्टर घोषित करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही कर जेल भिजवा दिया था, जिसे तीन लोगों ने कोच में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे रिहा करा दिया गया था। SSP बबलू कुमार ने चार्ज लेते ही सबसे पहला काम ऐसे फर्जी जमानत कराने वाले लोगों की तलाश का ही किया था, जिसमें जांच करने पर बदमाश नदीम को जेल से छुड़ाए जाने का यह सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया और अमर पूरन सहित बदमाश नदीम के पैरोकार बने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में धोखाधड़ी के साथ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जमानत पर रहा हुए नदीम सहित सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि SSP बबलू कुमार ने अपनी पहली मुलाकात में इन आदेशों की जानकारी देते हुए ये कहा था कि उन सभी बदमाशों की जमानत लेने वाले लोगों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि लोग बड़े पैमाने पर इस काले कारनामे में लगे हुए हैं और बदमाशों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिहा कराया जाता है। कोतवाली पुलिस का ये ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें मुकदमा दर्ज कर रहा हुए बदमाश की तलाश की जा रही है। थानों की फर्जी मोहर का भी इस्तेमाल किया जाता था। SP सागर जैन ने बताया कि जिस फर्जी गैंग के गिरोह का खुलासा दर्ज कराई गई FIR में किया गया है, ये गिरोह अपने पास सभी थानों की फर्जी मोहर भी रखता था। कोर्ट से जमानत के लिए जांच के लिए भेजे जाने वाले दस्तावेज ये गिरोह किसी तरह प्राप्त कर लेता था और सभी जांच के कागजातों पर फर्जी मोहर लगाकर जमानत के लिए कोर्ट में पेश कर दिए जाते थे। SP सागर जैन ने बताया कि फर्जी जमानत पर रहा हुए सभी लोगों और उनकी जमानत कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिसमें एक मुकदमा भी थाना सिविल लाइन्स में दर्ज किया गया है। सर, एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक बदमाश को रिहा करने का मामला सामने क्या है? एक यहाँ पे बड़े पैमाने पे जैसे ये सामने आया है कि फर्जी जमानती थाने की नकली मोहर जो है बनाकर फर्जी जमानती और कागजात तैयार करके करने का जो धोखाधड़ी का है, तो उसके लिए एक हम युद्ध स्तर पे काम करते हुए एक अभी मुकदमा हमने पंजीकृत किया है थाना सिविल लाइन्स में, जिसके लिए मुकदमा अभी पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।